हेलो फ्रेंड्स, मितूस किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। 15 मिनट में आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं और साल भर से भी ज़्यादा आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही आसान है ये रेसिपी बनाना। आम से बनने वाली एक मीठी चटनी जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, फटाफट बनने वाली रेसिपी है। तो आइए आम की मीठी चटनी बनाना शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू। 500 ग्राम मैंने कच्चे आम लिए हैं, ये 500 ग्राम चीनी ली है, नमक लिया है आधा चम्मच, सादा नमक है ये, एक चम्मच काला नमक लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम सबसे पहले आम को छील लेंगे। आम को हम छीलेंगे पहले और इसे कद्दूकस करेंगे, इसके ऊपर का भाग चाकू से काट देंगे और इसे छील लेंगे। कद्दूकस से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे कद्दूकस करेंगे। ये देखिए, सारे आम को मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अब हमें इसे पकाना है। मैंने एक पैन ले लिया है, पैन को गैस पे रखेंगे और गैस ऑन करेंगे, गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें कद्दूकस किया हुआ आम डालेंगे। चीनी डाल देंगे। यहाँ मैंने 500 ग्राम चीनी ली है, आप चाहें तो इसमें आधा गुड़ और आधी चीनी भी डाल सकते हैं। आम को चीनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम को लो ही रहने देंगे। लो फ्लेम पर हम इसे चीनी मेल्ट होने तक पकाएंगे। ये देखिए, लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट में ही चीनी घुल चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला डालेंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे, नमक डालेंगे, एक चम्मच नमक डालेंगे इसमें और आधा चम्मच सादा नमक डालेंगे, काला नमक यहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है और सादा नमक थोड़ा कम रखा है। काले नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, इसलिए काले नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे एक तार की चाशनी बनने तक पकाएंगे। लगातार इसे चलाते रहें। इस तरीके से चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। चटनी हमारी पक चुकी है, ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है ये, और रखने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी है।
अगर आप गुड़ का यूज कर रहे हैं तो इसे डालने की कोई जरूरत नहीं है, गुड़ के कलर से ही इसका बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। लेकिन अगर आप खाली चीनी से बना रहे हैं तो आप इसे डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा कलर आता है, ये ऑप्शनल है। ये देखिए चटनी बिल्कुल तैयार है, अब हम गैस बंद कर देंगे। ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी, इसीलिए हम इसे अभी बंद कर देते हैं गैस को। ये देखिए एकदम परफेक्ट आम की चटनी बनकर तैयार हो गई है, और आप देख सकते हैं ठंडी होने के बाद ये थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है।